देख रहे हैं देश रोजाना, मैं हूँ बेनजीर हाशमी। खबरों में शुरुआत करेंगे पहले दिनभर की सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की ताजा और खास खबरों की। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई का कहना सबूतों से हुई है छेड़छाड़, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट बोला 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी, पुलिस की भूमिका पर भी संदेह है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी पार्टी के बीच हुआ गठबंधन, फारूक अब्दुल्ला ने कहा सीटों का बंटवारा बाद में होगा, तो वहीं राहुल बोले हमने मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ा। आंध्र प्रदेश की फर्मा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 17 लोगों की हुई मौत, 36 लोगों का इलाज जारी। सीएम नायडू ने इस हादसे में 17 लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक और झटका, शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान सांसदों को जारी किए गए सभी राजनयिक पासपोर्ट किए गए रद्द। एक बार फिर सीएम योगी ने यूपी में दौड़ाया तबादला एक्सप्रेस, 4 जिलों के सीडीओ समेत 13 आईएएस का किया तबादला। एयर इंडिया की फ्लाइट में मिली बम से उड़ाने की धमकी, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित, लैंडिंग के वक्त सूचना मिली, फिलहाल 135 पैसेंजर सुरक्षित। हरियाणा कांग्रेस अडानी को लेकर उतरी सड़कों पर किया जोरदार प्रदर्शन, ईडी दफ्तर तक निकाला मार्च, पुलिस में झड़प, उदयमान 2 सांसदों को पुलिस ने लिया हिरासत में। बात करें मौसम की तो यूपी में 80 गांवों में बाढ़, 24 घंटे में 7 लोगों की हुई मौत, राजस्थान समेत 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। वहीं आज सोने चांदी के दामों में गिरावट, सोना 71,717 रुपए पर आया, तो वहीं चांदी 130 रुपए गिरकर 84,783 रुपए प्रति किलो हुई। शेयर बाजार में सेंसेक्स 147 अंक की तेजी के साथ 81,053 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 41 अंक चढ़ा। तो ये थी दिनभर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खबरों की, जिसमें हरियाणा की पहली और बड़ी खबर है कांग्रेस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के घोटालों को लेकर सड़कों पर उतर आई है। दरअसल घोटालों की जांच के लिए जेपीसी गठित नहीं किए जाने के विरोध में कांग्रेस नेता सेबी प्रमुख को हटाने की मांग की गई। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, जहां कांग्रेस नेताओं ने चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर तक मार्च निकाला। वहीं इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस के साथ कांग्रेसी नेताओं की तीखी झड़प भी हो गई। पुलिस ने विरोध कर रहे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान और अम्बाला से सांसद वरुण मुलाना, हिसार सांसद जयप्रकाश जेपी को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि इस प्रोटेस्ट को लेकर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान की ओर से 2 दिन पहले ही लेटर जारी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जनता की गाड़ी कमाई को अपने उद्योगपति दोस्तों में दान कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और आगे भी करती रहेगी, चाहे उन्हें इसके लिए जेल ही क्यों ना जाना पड़े। वही अम्बाला में महारा हरियाणा नॉनस्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को सभी को अपने बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करते हुए 4 अक्टूबर को तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। साथ ही कांग्रेस को घेरते हुए सैनी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ ही नहीं बोलती, बल्कि लोगों के बीच धर्म और जाति के नाम पर विभाजन पैदा करने का काम करती है। आपको बता दें कि हाल ही में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही पुराना हिसाब किताब लेकर घूम रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हरियाणा उनके हिसाब से चलेगा। वहीं हुड्डा पर तंज कसते हुए सैनी ने कहा कि हुड्डा साहब हमारे काम का हिसाब छोड़िए, उसकी चिंता मत कीजिए, हम तो हर साल जनता के बीच जाकर अपने काम का हिसाब देते हैं, लेकिन हुड्डा साहब आप अपने कार्यकाल का वो पुराना हिसाब क्यों छुपा रहे हैं। आपको बता दें कि सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोगों को सच बताने का काम कीजिए, कांग्रेस वाले हमसे पिछले 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब को उन्होंने छुपा रखा है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे के राजनीतिक दलों के समीकरण बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई गई है। वहीं एमएसपी का कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोक दल और आम आदमी पार्टी हवा दे रही है, तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और 4.5 साल सरकार में भागीदारी रही जननायक जनता पार्टी किसानों के लिए किए गए काम को गिनवा रही है। बताते चले कि
एमएसपी की गारंटी में छिपी वोटों की चांदी तराश रहे। राजनीतिक दलों से परे किसान संगठनों का अपना अलग गणित है। वे फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी देने के सत्तारूढ़ भाजपा के फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही एमएसपी की गारंटी भी चाहते हैं। ये अलग बात है कि हरियाणा देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जो अब सभी 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद कर रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची अगले सप्ताह जारी करेगी। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन के लिए नई दिल्ली में 23 अगस्त को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब 25 अगस्त को होगी। इसके बाद 26 और 27 अगस्त को उम्मीदवार की पहली सूची जारी कर सकती है। इसमें 3 दर्जन वे नाम होंगे जिन पर पार्टी को पूरा भरोसा है जो चुनाव हर हाल में जीत सकते हैं। आपको बताते चले कि कई मौजूदा विधायक व वरिष्ठ नेताओं के नाम इनमें शामिल रहेंगे। प्रत्याशियों के चयन में RSS के पदाधिकारियों और पर्यवेक्षकों के सुझावों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं अगले रविवार को शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक से पहले नामों का पैनल तैयार करने के लिए वीरवार को गुरुग्राम में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। वहीं 2 दिन तक चलने वाली बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत और कृष्ण पाल गुज्जर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, राष्ट्रीय सचिव OP धनखड़, डॉक्टर सुधा यादव, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, पूर्व मंत्री अनिल विज और रामविलास शर्मा तथा प्रदेश सरकार में मंत्री JP दलाल समेत चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।